अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में मैं सैब खबरनामा की तरफ से आप सब लोगों को जो आज पीएमसी से नोटिफिकेशन आए कुछ उनको स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करना चाहता हूँ, उनको आगाह करना चाहता हूँ कि वो क्या बोल रही है। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि नेशनल एडमिशन स्केजुलिंग कमेटी के बारे में कि जैसे हर साल से होता हुआ आता है कि हमेशा पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कम्प्लीट होंगे, इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट होंगे। मतलब जब कॉमन लिस्ट के एडमिशन कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट प्राइवेट की आएगी और अल्टीमेटली उसके एडमिशन होंगे। दूसरे पॉइंट में सिंपल बोलता है, जिस तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, इसी तरह MBBS BDS में भी सेम होगा। पहले MBBS के एडमिशन होंगे फॉलोड बाय द BDS के एडमिशन। लास्टली ये बताता है हमें कुछ डेट्स के बारे में कि एक टेंटेटिव डेट्स जारी कर दी हैं कि 1 जुलाई से पहले कोई एडमिशन नहीं होगा, 1 जुलाई को एडमिशन ओपन होंगे और लेटली 1 मार्च तक क्लोज एनी हाउ करने हैं। बाकी आखिरी दो पॉइंट्स में इसी के बारे में बताता है कि नेशनल स्केजुलिंग कमेटी जो है उसने ही बताया है कि कंसेंसस मतलब कि सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग बैठ के डिसाइड करके एक क्लोजिंग डेट टेंटेटिव बना लेंगे, लेकिन 1 मार्च से वो पहले की ही होगी। दूसरे में ये प्रोविंशियल एमडीकैट कमिटीज़ पॉलिसी के बारे में बताता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है आपकी जो प्रोविंशियल मतलब अपने अपने जो सूबे में टेस्ट हो रहा है उसमें अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा क्वेश्चन उनको दिख जाता है जो आउट ऑफ द सिलेबस हो, मतलब लोकल बोर्ड्स ने भी नहीं पढ़ाया हो, तो वो PMC को आराम से इन्फॉर्म कर दें और PMC इसको कंसर्न करके इसको या तो कैंसिल कर देगी या क्वेश्चन को रिव्यू करके इसको चेंज भी कर सकती है। फिर ये बताया कि प्रोविंशियल लोकल बोर्ड्स अपने क्वेश्चंस भी दे सकते हैं PMC को, PMC उसको रिव्यू करेगी और सही लगा तो माइट पॉसिबल कि वो टेस्ट में इंक्लूड हो जाए। फिर ये बोलते हैं कि जो प्रोविंशियल MDKT कमेटी है वो सब एग्ज़ाम्स जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है PMC का सब में सुपरविजन के लिए एक एक को वो भेजेंगे जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में टेस्ट होगा। लास्टली ये बोलता है कि प्रोविंशियल जो MDKAT है वो अपने स्टूडेंट्स की कंप्लेन भी रिसीव करेगी और उनको PMC तक पहुँचाएगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर स्टूडेंट को नोट कर लेनी चाहिए और ये बहुत काम आएगी आपको। इसमें ये बताते हैं इस वाले पेज के अंदर कि अगर एक स्टूडेंट ने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट दी हुई है, अगर उसको अपनी जो लेस प्रायोरिटाइज यूनिवर्सिटी है उससे ऑफ़र आ जाए और वो उसमें एक्सेप्टेंस दे दे, उसके बाद जो उसकी मोर प्रायोरिटाइज है उस यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ जाए, तो स्टूडेंट्स को ऐसा करना है कि जो जिसमें पहले एडमिशन ले चुके हैं या जिसको एक्सेप्ट कर चुके हैं उनको कैंसिल का बताएं, उनको कैंसिल का लेटर भेजें, उनको बताएं कि नहीं हमने जो है जो हमारी मोर प्रायोरिटाइज यूनिवर्सिटी से उससे हमारी ऑफ़र आ गई है। अगर वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराती है और बगैर बताए पुरानी यूनिवर्सिटी से कैंसिल करा के नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश की, तो इस बेस के ऊपर उस बच्चे का एडमिशन या टेस्ट कैंसिल हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही देखने वाली बात है, इस पर प्लीज़ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा, कैंसिल हो चुके हैं एडमिशन। लास्टली जो बताया है उन्होंने, ये एक्चुअली PMC का फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक तरीके का एडवाइजरी जारी किया है कि उन्होंने नोट किया है कि जो डेंटिस्ट्री है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है हमारे रूरल और हमारे सेमी अर्बन एरियाज़ में, जबकि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जो है डेंटिस्ट्री का पर कैपिटल रेशो वो सही आ रहा है। तो इसलिए एडवाइस दिया उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को, कि आप डेंटिस्ट्री को थोड़ा इम्प्रूव करें, इनकी सीटें बढ़ाएँ या इनकी जॉब्स बढ़ाएँ, जो भी करें, लेकिन इसका जो पर कैपिटल रेशो है वो आपका इस एरियाज़ के अंदर जो पेरिफेरी की रीजन में थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। फाइनली ये था नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादातर जो बात थी वो PMC ने गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को एडवाइस की है, स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न नहीं थी इतनी, लेकिन ये जो ये वाली बात है कि स्टूडेंट जो है वो दो यूनिवर्सिटीज़ में साइमल्टेनियसली एडमिशन की कोशिश ना करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।